नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज की स्टूडियो में मैं आपको नज़ारा दिखाने वाला हूँ अपने आईफोन से रोड का। और अभी वाइड एंगल कितना ले रहा है जरूर बताइएगा कमेंट में आप लोग। बाकी वीडियो क्वालिटी वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है ज़रूर बताइएगा। और ये है आपका जवाहर नगर एक्सटेंशन एरिया, यहीं पर आपका है जनसंपर्क कार्यालय। संसदीय जनसंपर्क कार्यालय जब से हर घर सोलर का सिस्टम दिया गया है यानी सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, हर छत पर जगह सोलर सिस्टम लग गया है। ठीक भी है, सरकार का बोझ कम होगा बिजली का। कितने लोग जानते हैं कि ऑन ग्रिड एक ऑफ ग्रिड होता है सोलर, तो आपके हिसाब से कौन सा सही होता है कमेंट जरूर बताइएगा। अभी टाइम हो रहा है 10:17 और मेरा व्यू कैसे आ रहा है कमेंट जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक छोटी सी गली काफ़ी इंपॉर्टेंट गली है, दो पहिया चार पहिया सब इसमें घुसा देते हैं गाड़ी लेके, क्या ही कहा जाए इसमें। अब नहीं आ रहा है, अभी चला जाए। आपका साइड है धोनीपुर जल निगम, गाड़ी ख़राब रहे तो चलाते रहेंगे बनवाएंगे नहीं। और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट टाइम मैं मोबाइल से फोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ विदाउट कोई माइक का, तो कितना आवाज़ कैप्चर हो, कितना बाहर कैप्चर हो रहा है ये आप कमेंट जरूर बताइएगा मुझे। ये संकुल धारा पोखरा और यहाँ पर लगता है मेला, कष्ट हरिया का मेला। और सीजनल है कटहल, तो कटहल बिकता है यहाँ पर ज़्यादा, इसलिए कटहलिया मेला भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी मोटर व्लॉगिंग में भी कैसा आ रहा, वॉइस कितनी आ रही जरूर बताएगा मुझे। अब इस समय वाराणसी का जलस्तर भी गंगा जी का बढ़ रहा है और घाटों संपर्क टूट गया है। ऐसे में जो लोग भाई बनारस घूमने आ रहे हैं उसकी मेन प्रायोरिटी घाट घूमना है, तो इसमें अवॉइड करें क्योंकि जल स्तर बढ़ने से खतरा भी बना रहता है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई गंगा जी में स्नान करते हुए डूब जा रहा है, तो लोगों को अंदाज़ा नहीं था किस घाट पर कितना पानी है, कहाँ नहाना है कहाँ नहीं नहाना है। और बाकी हम लोग अभी चल रहे हैं कामाख्या की तरफ, पेची स्थापना एक व्यक्ति में होती है, फिर वहाँ यहाँ से फिर जमीन लेकर उस साइड आपका लंका साइड बनाया गया है। और लंका में लंका का नाम इसे रखा गया क्योंकि रामलीला का पहले जो लंका थी में वहीं हुआ करता था। नर्सरी यहाँ पर सिटी में नर्सरी के इस्तेमाल लेंगे महंगा मिलता थोड़ा। देख रहे कितना सगड़ा रास्ता है ये, इसलिए यहाँ पर जाम लगता है, आगे पूरा जाम लगा और हिम्मत आगे जाने कर नहीं रहे जाम देखकर। देख रहे यहाँ तक जाम आप
107 नंबर सारनाथ कैंट सिगरा लंका वाला रूट है। ऐसे और बस आने वाले हैं वाराणसी में, देखिए कब आते हैं। कामाख्या मंदिर, पटेल घर मंदिर बाएं, एयरपोर्ट बाएं, रेलवे स्टेशन बाएं, श्री राजबंधु भी महंगा महंगा मिठाई मिलता है यहाँ पर, नई क्वालिटी भी नंबर रहती है। और अंबानी शादी में किसी तरह के मिठाई गया था। रणवीर संस्कृत विश्वविद्यालय है, ये वन वे है, बाइक आती है उसका टैक्सी। राजा तो बुलेट राजा टेम्पू कहाँ चला रहा है, बुलेट चलाए नाम रखते हो अपना बुलेट राजा, गाड़ी नाम रखते हो आगे हम लोग रथ यात्रा चल रहा है। इन्हें खोला सब्जी जाम लगा है, रथ यात्रा चौराहे को और चौड़ा करना चाहिए, काफ़ी जाम लगता है यहाँ पर अभी भी। चारों तरफ बिल्डिंग बन गई, जाम कहाँ खत्म होगा। सीएससी बल सर्वोत्तम बल, जाम लगा दे सीएससी बल। फिर चले जाएंगे आप सिगरा चौराहे होते हुए वाराणसी कैंट जंक्शन, फिर रास्ता ज़्यादा सीधे होता मामूरगंज होते हुए बनारस रेलवे स्टेशन। जाम लगाता कौन है, टोटो वाले। कांवरिया तो निःशुल्क विश्राम स्थल बना है यहाँ पर, यहाँ बनता है हर साल बनता है। और पंखा, खाने पीने की व्यवस्था, भंडारा इत्यादि सब किया जाता है यहाँ पर, बहुत निःशुल्क करते हैं अपने सहयोग से। सेलिब्रेंट मैं ज़्यादा शॉर्टकट मंगूरगंज होते हुए आ सकता था, मतलब बड़ी गली होते हुए मंगूरगंज, लेकिन सिटी का व्यू दिखाना था आपको, इसलिए बाई रोड आया हूँ मैं। नमस्तुभ्यम होटल श्री शिवाय, बहुत ज़्यादा बना था होटल खुला, बहुत ज़्यादा पूरा भी रखी छेक ले रहा है, तो ओवरटेक करना पड़ेगा, जगह ही नहीं है, इतना बड़ा ट्रक इतना बड़ा रोड भी है। ठीक है, बाकी यहाँ देखिए आप, ये है आपका उसका भुट्टा, ये रास्ता देख रहे हैं, बाएं यहाँ चले जाएंगे कुलवा विनायका। बाकी ये देखिए बड़ी बिल्डिंग यहाँ बनी है, चलिए ओवरटेक करते, जगह तो मिला है तो तुम्हारे यार, कोई बात नहीं। पी एन पी मेट लाइफ, फिनो पेमेंट बैंक, पी एच सी आई हॉस्पिटल, मारुति सुजुकी अरीना, नर्सिंग अपार्टमेंट, यहाँ पहले दोस्तों एक सिनेमा घर हुआ करता था, कमेंट में नाम जरूर बताइएगा आप लोग।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर महादेव।